दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इसमें भारतीय सैनिक पहाड़ी इलाकों में चीनी सैनिकों को घेरकर लाठी डंडे से पीटते दिखते हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच एक ऐसा समझौता है कि बॉर्डर के मसले पर हथियार दूर रखकर लाठी डंडे लेकर सामने आ सकते हैं। हालांकि यह वायरल वीडियो कब का है पता नहीं, तो आइए जानते हैं पूरी वायरल वीडियो की कहानी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में चीनी सैनिकों ने जमीन हड़पने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को बुरी तरह लाठी डंडे से पीट रहे हैं। दोस्तों जब दोनों देशों के सैनिक के बीच झड़प हुई तब चीनी सैनिकों लाठी और अन्य उपकरणों से लैस होकर आए थे। हालांकि भारतीय सैनिक भी सतर्क थे और किसी भी संघर्ष के लिए तैयार थे, क्योंकि वे चीनियों के इरादे को अच्छी तरह से जानते थे और भारतीय जवानों ने भी उन्हें जवाब देते हुए भागने पर मजबूर कर दिया। पर दोस्तों कहानी यह बताती है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जबकि चीन के 19 से भी ज़्यादा सैनिकों को गंभीर चोटी लगी है। इस बीच सामने आया कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में चीनी सेना ने यह दुस्साहस दिखाया, तब भारतीय सेना की 3 रेजिमेंट ने उन्हें कूटते हुए खदेड़ा। भले ही चीनी सैनिक लाठी और डंडे और अन्य हथियारों से लैस होकर आए थे, लेकिन हमारे बहादुर सैनिक ने उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए ने एक इंच अंदर आने नहीं दिया और भागने पर मजबूर कर दिया। वैसे देखा जाए तो झड़प में वीडियो के अनुसार 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवंग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने लगे। यहां भारतीय पोस्टेड को हटाने के लिए चीनी सैनिक कटीले लाठी और डंडे और इलेक्ट्रिक बैटन लेकर आए थे। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थे। जैसे ही चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवानों ने भी जोरदार जवाब देना शुरू किया। सभी ने कटीले लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को अच्छे तरह कूटते हुए जवाब दिया। इसमें चीन के 19 से ज़्यादा सैनिक बुरी तरह घायल हुए, कुछ की हड्डियाँ टूटी, कुछ के सर फटे। दोस्तों फिर मंगलवार शाम को अचानक सोशल मीडिया का माहौल बदल गया। 2 मिनट 20 सेकंड का यह एक वायरल वीडियो हो गया और लोग दुश्मन को पीटते देख मौज लेने लगे। पत्रकार से लेकर नेता और आम लोगों भी वीडियो में दिखाई दे रहे चीनी सैनिकों की कुटाई पर फूले नहीं समा रहे हैं। वीडियो में एक ऐसा सिख फौजी अपने स्टाइल में चीनियों को जमकर गाली परोस दोस्तों मैं बार बार यह वीडियो देख रहा हूँ, दुश्मन को पीटते देखने का मजा कुछ और है। इस वीडियो में गालियाँ भी है, लेकिन गाली देना गलत बात है, पर इस तरह की गालियाँ कभी कभी सुननी भी चाहिए। खैर इसमें यह दिखता है कि लाठी डंडे और कटीले तारों से भारतीय जवान चीनियों को घेरकर जमकर कुटाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपके भी दिल को ठंडक जरूर मिली होगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वीडियो पुराना हो गया है। यह हो सकता है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायरल हो रहे इस वीडियो में LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय सेना ने इस बात का दृढ़ता से इनकार कर दिया है कि यह वीडियो 9 दिसंबर की घटना से संबंधित है। लेकिन इस वीडियो की हकीकत की जब मैंने पड़ताल की तो यह बात सामने आई कि यह वीडियो तवांग का है ही नहीं, क्योंकि दिसंबर के महीने में तवांग में तो भारी बर्फबारी होती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि यह वीडियो पुरानी है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो सिक्किम का है, जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, उस वक्त दोनों सेनाओं के बीच खूब झड़प हुई। खैर पर दोस्तों इस वायरल वीडियो में भारतीय सैनिक की साहस और जज्बे देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ और कितनी बहादुरी और वीरता से चीनियों को खदेड़ा, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।